विधानसभा में बंधन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अभी हमारे लोकेन भाई ने बताया, प्रतपाल भैया ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र यादव जी ने बताया, तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है और सभी युवाओं को जुड़ने की जरूरत है। यह मूवमेंट व्यक्तिगत नहीं है, यह मूवमेंट आप सबके अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है। 68% पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि आज भी हमारे लोगों को यह पता नहीं है कि हमारी संख्या कितनी है। और जिस दिन हमें हमारी संख्या पता चल जाएगी, उस दिन सरकारें केंद्र में और राज्य हमारी होंगी। मैं आपको बता दूं साथियों, 1931 से किसी भी सरकार ने हमारी जनगणना नहीं की। क्यों नहीं की? उन्हें डर है कि यदि अपनी संख्या जान गए तो फिर हमें वोट देना बंद कर देंगे, ये गुलामी करना छोड़ देंगे। आज पिछड़ा वर्ग का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 52% जनसंख्या है। वर्तमान सरकार नियुक्तियां 27% आरक्षण पर निकालती है, जब रिजल्ट आता है जब 14% आरक्षण दिया जा रहा है। हमारा अधिकार कौन खा रहा है उन्हें समझने की जरूरत है। उसी के लिए यह यात्रा आपकी विधानसभा आई है, आपके गांव आई है। इन सब चीजों को और इस मूवमेंट को समझना है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जुड़ना चाहिए। और यह लड़ाई आपकी कोई नहीं लड़ने आएगा, जो आज ऐसे ऐसे लोग सड़कों पे आपके लिए निकले हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, समय कम है और यात्रा भी बहुत आगे तक जानी है, पूरे बुंदेलखंड में निकल लिए हैं। आप सब लोग मुंबई में ज्यादा से ज्यादा इस मूवमेंट को सहयोग आगे और करेंगे। धन्यवाद।